होगी सुनवाई। दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने याचिका दी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले को चुनौती दी और शाही ईदगाह के साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा की शाही ईदगाह मामले में सुनवाई आज, इस वक्त की बड़ी खबर। और साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर सुनवाई होगी। दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने यह याचिका दाखिल की है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तो शाही ईदगाह के साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को यह चुनौती दी है। शाही ईदगाह के साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की गई है और शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई की जाएगी। तो साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर यह सुनवाई होनी है और दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने यह याचिका दी है। अवनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और शाही ईदगाह के साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की गई, क्या कहें? जी बिल्कुल, ये याचिका दायर है और कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू होने वाली है। अभी 14 नंबर आइटम चल रहा है जो क्रमशः 17 नंबर पे ये मैटर लगा हुआ है। हो सकता है 10 मिनट में ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई पर आ जाए, जिसमें सीधे सीधे मांग की गई है कि जिसको शाही ईदगाह कहा जा रहा है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जिसको लेकर सिविल सूट दाखिल किया गया था, एक मानचित्र पेश किया गया था। और उसके बाद ये दलील दी गई कि जैसे ज्ञानवापी परिसर का साइंटिफिक सर्वे हो रहा है, उसी तरीके से इस ईदगाह का भी ये साइंटिफिक सर्वे करवाया जाए ताकि कोई विवाद ही ना रहे। अगर साइंटिफिक सर्वे होगा